हेलो टू ऑल। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसका हेड क्वार्टर कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्ज़ाम में आपसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट के पर्पज़ से यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी प्लांट्स जो होते हैं आपके, उनके प्लांट्स के बारे में जानकारी रखी जाती है। ठीक है, एक सर्वे कह सकते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जो कि अगर हम इसका हिस्ट्री जाने तो इसके हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, करा ये इंडिया का सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टैक्सोनॉमिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, ये जो है ये आपका एक टैक्सोनॉमिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं एक सर्वे डिपार्टमेंट है कह सकते हैं, जिसमें कि तरह तरह के प्लांट्स का सर्वे किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्कवरी किया जाता है कह सकते हैं, और उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या हम इसको हम कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट है, सर्वे डिपार्टमेंट है, जिसमें कि प्लांट्स की टोटल जानकारी रखी जाती है। ठीक है, लिखा है जिसका हेड ऑफिस इंडियन बॉटेनिक गार्डन, जो कि हम लोगों ने गार्डन को डिस्कस किया था, जिसमें कि सबसे मोस्ट पॉपुलर जो इंडियन गार्डन है आपका बॉटेनिकल गार्डन है, जो कि इंडिया में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। तो ये जो है इसका ये हेड ऑफिस यहाँ पर है। ठीक है, जिसका हेड ऑफिस इंडियन बॉटेनिक गार्डन कोलकाता है। और अगर हम वर्तमान में जो BSI के डायरेक्टर हैं, यानी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, वो हैं AA माओ। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे सेंटर्स अलग अलग एरिया और अलग अलग रीजन्स में फैले हुए हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर जो हेड ऑफिस है वो आपका कोलकाता है, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे इसके सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ पर पॉइंट्स मैंने हिस्ट्री के बेस पर लिखा है, करा ये ऑर्गेनाइजेशन या ये डिपार्टमेंट 13 फरवरी 1890 में, यानी 13 फरवरी 1890 में जॉर्ज किंग नाम के जो बॉटनिस्ट हैं उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था, सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव जो थी वो जॉर्ज किंग नामक जो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने लगभग 13 फरवरी 1890 को इन्होंने इस्टैब्लिश किया था इस बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक, याद रखना है, एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जिसका मेन पर्पज यही रहता है, कर जिसका मेन पर्पज या मेन उद्देश्य जो रहता है, प्लांट रिसोर्स, फ्लोरा, एंडेंजर्ड स्पीशीज का सर्वे करना तथा उस पर रिसर्च करना व उनका कंजर्वेशन करना होता है, जिसमें कि प्लांट रिसोर्सेज यानी पादप संसाधन और जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं या जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका सर्वे करना और उन पर रिसर्च करना, उनका डाटा कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना, डैट मीन उनको कंजर्व करने का काम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, जिसमें आपके टोटल जितने भी आपके इंडिया में जितने भी बॉटेनिकल गार्डन्स है या हर्बेरियम है उसकी ये टोटल देख रेख जो है BSI के द्वारा किया जाता है कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव या इसका इस्टेब्लिश किसने किया था। तो 13 फरवरी 1890 में जॉर्ज किंग नामक जो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने इसका इस्टेब्लिश किया था, इसको कह सकते हैं स्थापित किया था। ठीक है, और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, यानी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अब हो गई है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो जॉर्ज किंग नाम के जो बॉटनिस्ट है, जो कि ये कह सकते हैं ब्रिटिश टाइम का ये रहा होगा कह सकते हैं। ठीक है, तो
आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, करा 1954 में यानी 1954 में कह सकते हैं, अंडर द लीडरशिप में यानी इनकी लीडरशिप में कौन है, डॉक्टर ई के जनाकी अम्मल, ठीक है, डॉक्टर ई के जनाकी अम्मल ने बीएसआई को कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर रीऑर्गेनाइज्ड किया, यानी इसको दोबारा से स्थापित किया, दोबारा से ऑर्गेनाइज किया कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे कि इसके अंदर फ्लोरिस्ट सर्वे यानी फ्लावर्स के कल्चर से लेकर सारी डिटेल को यहाँ पर कह सकते हैं उसके डाटा कलेक्शन जो भी था उसको यहाँ पर कलेक्ट किया गया, उसके बेस पर इन्होंने दोबारा से इस ऑर्गेनाइजेशन को यानी बीएसआई को दोबारा से इसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। देन उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड किया है वो लिखा हुआ है, करा कलेक्टिंग accurate and detailed information on the occurrence, distribution, ecology and economic utility of plants in the country, यानी country में जितने भी plants हैं उनका total data कह सकते हैं, वो किस स्थान पर पाए जा रहे हैं, उनकी जो total जो study है, उनका distribution कैसा हुआ है, कैसा है उनका ecological system, कैसा है वो ecology में किस तरीके से grow कर रहे हैं, उनका economic importance क्या है, तो इसके base पर इन्होंने दोबारा से 1954 में दोबारा से इसको reorganized किया था, ठीक है, जो कि किसने किया था, डॉक्टर ई के जनाकी अम्मल साहब ने, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट है कह सकते हैं, तो इन्होंने इन्हीं के अंडर में ये पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था बीएसआई का, ठीक है, जो कि 1954 में इसका दोबारा से नाम कह सकते हैं, इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया था 1954 में, आपको याद रखना है, ठीक। अगला पॉइंट क्या करा है, करा ये कंट्री के डिफरेंट रीजंस, ये कंट्री के यानी इंडिया के कह सकते हैं, इंडिया के या कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में, एरिया में कह सकते हैं, प्लेसेस पर कह सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स में प्लांट स्पीसीज की डिस्कवरी, आइडेंटिटी एंड डाटा कलेक्शन करने वाला डिपार्टमेंट है, जो कि जो भी मान लीजिए कोई प्लांट स्पीसीज खोजी गई है या जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डिस्कवरी करना इसका मेन पर्पज रहता है, और उनको आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके उनका डाटा कलेक्ट करने का काम जो है ये डिपार्टमेंट संभालता है कह सकते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, करा है शुरू में स्टार्टिंग में बीएसआई यानी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 04 यानी सॉरी 4 रीजनल सेंटर्स, यानी कितने 4 रीजनल सेंटर्स कह सकते हैं, ये रीजनल सेंटर्स अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते हैं सेंटर्स बनाए गए हैं इसके, तो 4 रीजनल सेंटर्स में स्थित यानी जो बीएसआई है इसको 4 ये 4 रीजन में कह सकते हैं 4 इसके रीजनल सेंटर बनाए गए थे तो उसमें ये स्थित था कह सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो लगभग यहाँ पर 10 रीजनल सेंटर इसके स्थित हैं जो कि अलग अलग प्लेसेस पर बनाए गए हैं कह सकते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर जो सेंटर्स रीजनल सेंटर्स की हम लोग चर्चा करेंगे तो वो निम्न है कह सकते हैं फॉलोइंग है, तो कौन कौन से यहाँ पर सेंटर्स सेंटर जो हैं बनाए गए हैं तो देख लेते हैं, तो पहला सेंटर लिखा है करा अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर पोर्ट ब्लेयर, जो कि इस पोर्ट ब्लेयर में स्थित है कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेंटर है ईस्टर्न रीजनल सेंटर शिलोंग, ठीक है, ये शिलोंग में स्थित है। साउथर्न रीजनल सेंटर यानी दक्षिणी कह सकते हैं रीजनल सेंटर कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं, क्षेत्रीय केंद्र कह सकते हैं, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है कह सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में ये लगभग स्थित है कह सकते हैं। और उसके साथ साथ सेंट्रल रीजन सेंटर जो कि अलाहाबाद के अंदर ये सेंटर बनाया गया है, इसका सेंटर स्थित है। अगला है नॉर्थर्न रीजनल सेंटर जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, और अगला जो है वो है एरिड जोन रीजनल सेंटर जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये यहाँ पर कुछ फॉलोइंग्स जो कि सेंटर्स हैं रीजनल सेंटर्स हैं जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट आपके अगर हम बता दें तो ईस्टर्न है, साउथर्न है, सेंट्रल है और नॉर्थर्न है। अगर आप एग्ज़ाम में ये चारों भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मान लीजिए भूल जाते हैं तो मान लीजिए इतना याद नहीं रहता है, तो अगर आप चारों लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको चार ये ज़रूर याद रखने हैं जो कि मेन है कह सकते हैं पूरी तरीके से, ईस्टर्न, साउथर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थर्न, ठीक है, क्लियर। अगली बात करते हैं अगले पॉइंट्स की,
अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया में बीएसआई की स्थापना का मेन उद्देश्य, मेन एम, इंडिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की संपूर्ण ज्ञान, यानी उसका टोटल स्टडी कह सकते हैं, पूरा ज्ञान कह सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना था। यानी जो इंडिया में जो बीएसआई स्थापित किया गया उसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनका टोटल हमें यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए कह सकते हैं, या कह सकते हैं नॉलेज रखना, नॉलेज का डाटा पूरा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है कह सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में बीएसआई का मेन उद्देश्य कंट्री में पाई जाने वाली यानी इंडिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज़ की खोज करना तथा इनसे संबंधित संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है। यानी जो इसका जो मेन पर्पस यही है, यहाँ पर इंडिया के अंदर की जितने भी प्लांट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर पाए जा रहे हैं उन प्लांट स्पीसीज़ को खोजना और उनसे जो भी जानकारी मिलती है उसको कलेक्ट करना, उसको प्राप्त करना। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट क्या करा बीएसआई टैक्सोनॉमिक स्टडी तथा रिसर्च के उद्देश्य से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मटेरियल प्रोवाइड कराता है। यानी टैक्सोनॉमिक स्टडी एंड रिसर्च के उद्देश्य से अलग अलग रिसर्च सेंटर को, जो मेन रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ जो बने हुए हैं, ठीक है, तो उन रिसर्च सेंटर को या लैब्स को या उन यूनिवर्सिटीज़ को ये प्लांट मटेरियल्स प्रोवाइड करने का काम भी करता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है। नई लाइन्स लिखा हुआ है, अगली लाइन्स लिखा है करा बीएसआई इंडिया में स्थापित डिफरेंट बॉटेनिकल गार्डन्स तथा हार्बेरियम की देखभाल भी करता है। यानी बीएसआई जो है, यानी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जितने भी आपके जो मोस्ट टॉप मोस्ट के जितने भी बॉटेनिकल गार्डन्स हैं और जो हर्बेरिया बनाए गए हैं उनकी देखभाल करना होता है कह सकते हैं। यानी इसकी देख रेख में ही सारा काम संपन्न होता है कह सकते हैं। तो ये बॉटेनिकल गार्डन्स और हार्बेरियम की भी देखभाल करता है। अगला पॉइंट कह रहा है बीएसआई एंडेंजर्ड एंड रेयर प्लांट्स की सुरक्षा, रेयर प्लांट्स की सुरक्षा व संरक्षण में सहायता करते हैं। यानी जो ये बीएसआई है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एंडेंजर्ड प्लांट्स यानी जो खतरे में ऐसे प्लांट जो कि इस इंडिया के अंदर एक या दो या कुछ ही क्वांटिटी में बचे हैं कह सकते हैं, तो उनको हम एंडेंजर्ड या संकटाग्रस्त प्रजाति कह सकते हैं या इसको हम खतरे वाली प्रजाति कह सकते हैं, तथा रेयर प्लांट्स यानी जो दुर्लभ प्लांट हैं उनकी सुरक्षा करना व संरक्षण करने का काम जो है वो पूरा बीएसआई ऑर्गेनाइजेशन देखता है। ठीक है, जिसके द्वारा जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो बॉटेनिकल गार्डन्स हैं और जो हर्बेरिया बनाए गए, हर्बेरिया स्थापित किए गए हैं, तो इसका मेन पर्पस यही रहता है उनकी देख रेख करें। ठीक है, तो ये टोटली अगर हम बात करें, कॉमन शब्दों में बात करें, तो ये एक और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लांट के रिसर्च से लेकर उसके डाटा कलेक्शन तक और उसको कहां कहां पर प्लेस किया गया है, किस तरीके से किस रीजन में कौन से प्लांट्स पाए जा रहे हैं, तो उन सभी का डाटा कलेक्ट करने का काम जो है वो बीएसआई ही करता है। ठीक है, तो ये थ्योरी के पर्पस से हमने आपको अभी समझाया। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं बीएसआई के, जो कि अगर हम जितना भी अगर आपको बताएं तो वो कम ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉटेनिकल यानी प्लांट्स के, प्लांट से रिलेट कह सकते हैं या प्लांट के रिलेशन से। ठीक है, तो ये बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप थ्योरी के पर्पज़ से एग्ज़ाम में पूछ लेता है शॉर्ट नोट में, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए।